हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं कोठारी बांध, और इस वक्त हम कोठारी जो नदी है उसके पुल पे खड़े हैं। और ये अभी यहाँ से 10 किलोमीटर कोठारी बांध दूर है, और ये नदी है जो कि बहुत अच्छी चल रही है। अभी हम कोठारी नदी के पुल पे खड़े हैं, और ये भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर है। और अभी हम आपको जाएंगे और कोठारी बांध दिखाएंगे। हम भी फर्स्ट बार जा रहे हैं, कभी गए नहीं हैं, लेकिन नदी काफ़ी बड़ी है और पूरी चल रही है। इस ब्रिज से ओनली फॉर कितनी दूर है, ब्रिज के बिल्कुल बराबर चल रही है। तो अभी अपन जाके देखेंगे बांध में कितना पानी है और कितना नहीं है, क्या उसकी चादर चल रही है या नहीं चल रही है, अभी जाके अपन देखेंगे। बाकी लोकेशन बहुत अच्छी है, देख सकते हो बहुत बड़ी नदी है ये। जहाँ तक आपको दिख रहा है देखो, बहुत बड़ी नदी है इस तरफ भी, और फुल भरी हुई है, फुल भरी हुई है, जमा जम चल रही है। एक बार के लिए तो मैंने सोचा भाई ये कोई बांध है, यही बांध है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है कोठारी बांध, और अभी ओवरफ्लो है, चादर चल रही है, ओवरफ्लो हो रहा है, चादर चल रही है अच्छे से। आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। यह बांध एक नदी पे बंधा हुआ है जिसका नाम कोठारी बांध है, जिस नदी का नाम कोठारी है, ओनली फॉर इसके ऊपर बंधा हुआ है। जब नदी आती है तो ये बांध फुल होता है, उसके बाद में चादर चलती है। तो अभी नदी अच्छी आ रही है, उस हिसाब से अभी देख सकते हो आप चादर चल रही है। और अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई है तो भी मतलब बहुत ज़्यादा जोरदार चादर चल रही है। आ गए हैं तरविणी नदी, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये तरविणी नदी है, और काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि इसमें 3 नदियों का संगम है, इसलिए ये अच्छी आ रही है। और साथ ये है कि बेड़स नदी इस वक्त अभी उफान पे है, इसलिए ज़्यादातर इसका पानी बेड़स नदी का ही आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत बड़ी नदी है ये, और जो उस तरफ वो एनीकट है, एनीकट दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो एनीकट से ऊपर नदी चल रही है, और इस वक्त अभी मैं जो तरविणी संगम का नीचे वाला पुल है छोटा वाला, उस पर खड़ा हूँ मैं, और उसके करीब करीब पानी आ गया है। और ये आगे बिसलपुर बांध में मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।